कोरोना की गंभीरता को देखते हुए सीबीपी, सीआरपी, डी डाइमर जैसे कई टेस्ट कराए जा रहे हैं। हालांकि आपने टेस्ट के बारे में बहुत क्लियर कट इसके पहले भी हमारे दर्शकों को बता दिया है, लेकिन फिर भी हम ये जानना आपसे चाहेंगे कि इनमें से कौन सा टेस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं लोगों को समझने के लिए कहूं तो आई वुड से सीबीपी, सीआरपी एंड डी डाइमर स्पेशली इन दिस टाइम, क्योंकि कोविड डिजीज जो है वो प्रोथ्रोम्बोटिक है, मतलब इन मैं समझाऊं आम लैंग्वेज में, ये ब्लड को थिक कर देती है, हाइपरकोअगुलेबल। तो अगर आपका डी डाइमर हाई है और ब्लड थिक हो रहा है तो चांसेस है कि आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब आपकी नसों में खून जम सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसलिए डी डाइमर भी मैं चाहूंगी कि लोग टेस्ट कराएं, स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप, जिनका वजन ज्यादा है, जिनको शुगर है, बीपी है, उम्र 45 से ऊपर है, उनके लिए डी डाइमर भी कराना जरूरी है। अगर आपके यहाँ सुविधा हो तो प्लीज जरूर करा लीजिए, और जहां ये टेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता तो एटलीस्ट एक हल्का सा ब्लड थिनर सबको दे दीजिए, अच्छा, कुछ मतलब ये मामलों में डॉक्टर से डॉक्टर रिक्वेस्ट है। जी कुछ मामलों में डॉक्टर्स जो है वो IL-6 और LDH जैसे टेस्ट भी करा रहे हैं, तो इन टेस्टों का कोरोना में के इलाज में क्या भूमिका है और ये टेस्ट कब कराने चाहिए? वही मैं बता रही हूँ ना, देखिए टेस्ट की तो किसी भी डिजीज में कोई लिमिट नहीं होती है, दे आर ऑल इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। एलडीएच जी बढ़ेगा, फेरिटिन बढ़ेगा, सीआरपी बढ़ेगा, IL-6 बढ़ेगा, बट ऑल द टेस्ट टुगेदर हिट पेशेंट्स पॉकेट। तो जी IL-6 बहुत कॉस्टली टेस्ट है और इस पे भरोसा भी नहीं कर सकते 100%, हो सकता है गलत हो सकता है देर से सैम्पलिंग करी हो। तो आपने इतना महंगा टेस्ट भी कराया, आपका पैसा भी गया और कंफर्मेटरी रिजल्ट भी नहीं आया। तो इन अ कंट्री वेयर इंडिया थोड़े लोग हैं जो इतने वेल ऑफ नहीं हैं, एंड दे आर फाइंडिंग इट वेरी हार्ड फाइनेंशियली आल्सो, बिजनेस भी बंद पड़ा है, ऊपर से बीमारी का कहर। सो वी हैव टू फाइंड अ पाथ जो उनको आराम से इस डिजीज से पार निकाल दे।